बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिव्यू ऑफ फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। तो सेक्सोलॉजी वाला पोर्शन ट्रोमेटोलॉजी की तरह इतना ज़्यादा डाइवर्स और इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव है, तो इस पर भी बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। ठीक हो गया, तो ये पार्ट वन है फोरेंसिक सेक्सोलॉजी के। तो सेक्सोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, इसकी रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो फोरेंसिक सेक्सोलॉजी है, फोरेंसिक सेक्सोलॉजी का दूसरा नाम होता है सेक्सुअल ज्यूरिसप्रूडेंस। ठीक हो गया, ज्यूरिसप्रूडेंस का क्या मतलब होता है? ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब ये होता है फिलोसफी ऑफ, ये जो प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, फिलोसफी होती है। ठीक है, फिलोसफी होती है, फिलोसफी ऑफ लाइफ कॉल्ड जूरिस प्रूडेंस। ठीक हो गया, जूरी से वर्ड ला और प्रूडेंस का मतलब होता है, प्रूडेंस का मतलब होता है फिलोसफी। तो फोरेंसिक सेक्सोलॉजी में हमने किन किन टॉपिक को पढ़ना है? पहली बात फोरेंसिक का तो मेडिको लीगल आस्पेक्ट का वर्ड तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। हमने क्या क्या पढ़ना है? हमने इंपॉर्टेंस ये पढ़ना है, डेफिनेशन क्या होती है, क्या मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस है, स्टेरिलिटी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये सारी है फोरेंसिक के आस्पेक्ट से। लेकिन इससे पहले हम इम्पोर्टेंसी से भी पोटेंसी पढ़ पड़ेंगे, स्टेरिलिटी से पहले हम फर्टिलिटी पढ़ लेंगे। ठीक हो गया, तो इनसे रिलेटेड टर्म्स भी देख लेंगे। इंपॉर्टेंस हमने पढ़नी है, स्टेरिलिटी पढ़नी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़नी है, वर्जिनिटी, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, डिलीवरी एक्सेट्रा। तो एक साइड के ऊपर हमने ये सब चीज़ें देखनी है, दूसरी साइड के ऊपर हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस और सेक्सुअल परवर्जन देखने हैं। इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं? फोरेंसिक सेक्सोलॉजी कहते हैं। इनके मेडिको लीगल आस्पेक्ट को सेक्सुअल ज्यूरिसप्रूडेंस बोलते हैं या सेक्सोलॉजी बोलते हैं। अब सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे नंबर वन इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंसी होती क्या है। पोटेंसी ये होती है कि जो मेल है या फीमेल है और वो मैरिज पार्टनर्स है। ठीक है, अब इनमें से कोई एक जो पार्टनर है वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर सके, तो अगर कोई भी एक पार्टनर सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर सके तो उसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है वो। अगर वो ना कर सके, मेल ना कर सके तो मेल इंपॉर्टेंट है, फीमेल ना कर सके तो फीमेल इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, और कहता है कि जो लॉ के मुताबिक ना, लॉ के मुताबिक जो होती है पोटेंसी वाली पावर होती है, जो पोटेंसी होती है वो प्यूबर्टी पर अटेन होती है, और प्यूबर्टी से पहले नहीं होती, वो प्यूबर्टी के बाद ही होती है। ये तो सिर्फ लॉ कहता है, लेकिन मेडिकल कहती है कि जो प्यूबर्टी से पहले भी पोटेंसी अचीव हो सकती है। ठीक हो गया, ज़रूरी नहीं कि प्यूबर्टी आनी चाहिए। प्यूबर्टी की एज वैसे फीमेल के अंदर 13 से 14 है और मेल के अंदर 16 से 18 है। ठीक हो गया, नॉर्मली जो एक सेक्सुअल एक्ट होता है मेल और फीमेल के दरमियान, तो उसमें मेल एक्टिव पार्टनर्स होते हैं और फीमेल पैसिव पार्टनर्स होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंस का वर्ड होता है, इंपॉर्टेंस का वर्ड जनरली किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है। जो फर्टिलिटी का या स्टेरिलिटी का जो वर्ड होता है, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी, ये इस्तेमाल होती है फीमेल के लिए। ठीक हो गया, तो इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है, मेल के लिए स्पेसिफिक इस्तेमाल होती है कि इनकैपेसिटी ऑफ द मेल, कि अगर मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म ना कर सके तो उसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस बोलते हैं। फीमेल के लिए इंपॉर्टेंस का वर्ड यूज़ नहीं होता, बल्कि इसके लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है फ्रिजिडिटी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस को किस तरह से डिफाइन किया हुआ है, इंपॉर्टेंस को मेल के हवाले से और फ्रिजिडिटी को फीमेल के हवाले से। जो स्टेरिलिटी है वो अलग ट्रम है। ठीक है, स्टेरिलिटी का मतलब सेक्सुअल एक्ट तो परफॉर्म कर सकेगा लेकिन आगे वो नेक्स्ट जनरेशन आगे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे होगा क्या, इंपॉर्टेंस इन मेल को किस तरह से डिफाइन करेगी। वैसे तो इंपॉर्टेंस को वहाँ पे भी डिफाइन किया हुआ था, लेकिन स्पेसिफिकली मेल के लिए क्या होगा, मेल के लिए ये होगा कि परसिस्टेंट हो, ज़्यादा अरसे तक हो, इनएबिलिटी कि ना कर सके, कि अगर वो पिनाइल इरेक्शन ना हो सके, और पिनाइल इरेक्शन के बाद क्या होती है, इजैकुलेशन होती है, और जो इरेक्शन इजैकुलेशन इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम, ऑर्गेज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेज्म बोलते हैं। और कोइटस क्या होता है, ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो वजाइना के थ्रू हो, तो पर वजाइनम सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड कोइटस। तो इन शॉर्ट के पिनाइल इरेक्शन ना हो सके और ऑर्गेज्म अचीव ना हो सके तो उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंस इन मेल। और जबकि फीमेल में इंपॉर्टेंस का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वर्ड यूज़ होता है फ्रिजिडिटी का। फ्रिजिडिटी का क्या मतलब है, ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट होता है फीमेल में, जिसकी वजह से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को पसंद नहीं करती, नफरत करती होती है। तो बिल्कुल ये वही चीज़ है जो मेल के अंदर क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, वो फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल मीनिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इंपॉर्टेंस के कॉजेज को देख लेते हैं। अब पहला जो कॉजेज है वो होते हैं ऑर्गेनिक कॉजेज, जो कॉन्जेनिटल होते हैं। ऑर्गेनिक कॉजेज मतलब ऑर्गेन से रिलेटेड हो गए। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइनफेलर सिंड्रोम का। क्लाइनफेलर सिंड्रोम का दूसरा नाम है प्राइमरी मेल हाइपोगोनेडिज्म। इसके साथ साथ प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर भी हो सकता है, किसकी वजह से, क्रिप्टोकाइडिज्म की वजह से। क्रिप्टोकाइडिज्म का क्या मतलब होता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस। ठीक हो गया, जो इंपॉर्टेंस के सारे कॉजेस लिखे हुए हैं मेल के हवाले से, क्योंकि मेल में ही इंपॉर्टेंस होती है, फीमेल के अंदर फ्रिजिडिटी होती है, वो हमने नेक्स्ट देखना है। तो पहला ऑर्गेनिक कॉजेस जो कंजेनिटल था, क्लाइनफेलर या प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, क्रिप्टोकाइडिज्म के अंदर, एपिस्पेडिया हाइपोस्पेडिया। एपिस्पेडिया का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस होता है वो पीनस की डॉर्सल साइड पर, हाइपोस्पेडिया में वेंट्रल आस्पेक्ट के ऊपर, एसेसरी पीनस में ज़्यादा
पीनस आना शुरू हो जाएंगे या बेंट नेल, जो पीनस होता है वो बेंट हुआ पड़ा होता है, ठीक हो गया, ग्लैंड्स पेनिस की तरफ आते हुए। इसके बाद है एक्वायर्ड कॉजेज। एक्वायर्ड कॉजेज जो कंजेनिटल नहीं होगा, ऑर्गेनिक नहीं होगा, बल्कि किसी न किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से होगा जो एक्वायर्ड कॉजेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीनस की एम्पूटेशन होगी, पार्शल हो सकती है, कंप्लीट एम्पूटेशन हो सकती है, या कास्ट्रेशन हो सकती है, प्यूबर्टी से पहले कास्ट्रेशन है, ठीक है, या फिर हाइड्रोसील है, कोई पैथोलॉजी की वजह से हाइड्रोसील है, फ्लूइड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो सकती है, ठीक है, वाटर की हाइड्रोसील, वाटर के लिए स्पेसिफिक होता है, स्क्रोटल फिलेरियासिस है जो एलिफेंटियासिस होता है, एक फिलेरिया नेमाटोड की वजह से होता है जो जिसके वजह से स्क्रोटम के अंदर, लेग के अंदर सीवियर मैसिव एडिमा हो जाता है, गनोरिया, और इसके साथ कार्सिनोमा पीनस का। तो ये सारे एक्वायर्ड कॉजेज है। डायबिटीज़ और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, स्पेसिफिकली जो पिट्यूटरी के अंदर जो सेल्स होते हैं गोनेडोट्रॉप्स उनका, या ये भी हो सकता है टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, टेस्टोस्टेरोन, ठीक हो गया। न्यूरोलॉजिकल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल कॉजेस के अंदर आपने नर्व्स को डैमेज कर देना या किसी सेंटर को डैमेज कर देना। नर्व्स कौन कौन सी होती है? मोटर नर्व्स होती है जो जेनिटेलिया को सप्लाई करती है, आपको पता है कि पेल्विक सबलेंगिक नर्व्स होती है, S2, S3, S4 सेगमेंट से निकलती है, ठीक है, या तो मोटर नर्व की पैरालिसिस हो गई है, ठीक है, या ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो गई है, या फिर जो कॉर्डा इक्विना स्पाइनल कॉर्ड का सेंटर है वहाँ पर ट्यूमर हो गया, या कोई लियन हो गया CNS के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक हो गया, या फिर आपका मसला ऊपर पड़ा हुआ है, ये तो मसला था लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर, या CNS के अंदर हो तो अपर मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर क्या क्या हो सकता है? पैराप्लेजिया हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, या कोई, ठीक हो गया, टर्शियरी साइफिलिस की वजह से, ड्रग्स की वजह से अपर मोटर न्यूरॉन की लियन हो गया जिसकी वजह से पैराप्लेजिया हो गया, ठीक है, या हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस का मतलब हाफ पैरालिसिस होती है एक साइड की, ठीक हो गया, पैराप्लेजिया का मतलब दोनों लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो गया। यहाँ पर अब नेक्स्ट है फंक्शनल कॉजेज। फंक्शनल या साइकोलॉजिकल कॉजेज भी आप बोल सकते हो। कि सबसे पहला ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जो शादी के पहली रात पे जो होता है इसके वजह से उसका जो खौफ हो सकता है, या कोई शाइनेस हो सकती है एनजाइटी के वजह से हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर वुमेन की तरफ मेल में इंपॉर्टेंसी आ जाती है, ठीक हो गया, या ये भी हो सकता है कि एवर्जन डिसऑर्डर है, उसको नफरत है सेक्शुअल इंटरकोर्स से, और इसके साथ साथ, ठीक है, या ओवर इंडल्जेंस है या एक्सेसिव पैशन है। अब ये वाला यहाँ पे उसकी सेंस नहीं बनती फंक्शनल या साइकोलॉजिकल कॉजेज के अंदर, ठीक है। इसके बाद है कॉजेज ऑफ रिजिडिटी। कॉजेज ऑफ रिजिडिटी स्पेसिफिक है फीमेल के लिए, वही तीन कॉजेज हो गए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने न्यूरोलॉजिकल कॉजेज को हटा दिया, ऑर्गेनिक, एक्वाइर्ड और फंक्शनल कॉजेज। अब ऑर्गेनिक क्या क्या होगा? कॉन्जेनिटल, या तो वजाइना की टोटल ओक्लियन होगी, या एब्सेंट वजाइना होगा, वजाइना की केनाल नहीं होगी, या फिर हाइमन इम्परफोरेट होगा, या कोई इंटरसेक्सुअल स्टेट होगी, टर्नर सिंड्रोम हो सकते हैं। इसके बाद है एक्वाइर्ड। एक्वाइर्ड कॉजेज का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा हुआ डिसपेरिनिया, मेरी प्रोनाउंसिएशन बड़ी ख़राब है तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। डिसपेरिनिया का मतलब होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, किसी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिसपेरिनिया। और इसके बाद है वजाइनल स्टीनोसिस। ऊपर था वजाइनल ओकुलियन, लेकिन अब वजाइनल स्टीनोसिस है। स्टीनोसिस का मतलब किसी भी हाल ऑर्गन का ल्यूमिन इतना ज़्यादा नैरो हो जाए कि कोई चीज़ पास ना कर सके, तो उसको बोलते हैं स्टीनोसिस। इसके बाद है फंक्शनल कॉजेस। फंक्शनल कॉजेस या इसको साइकोलॉजिकल कॉजेस भी बोल सकते हैं। अब फंक्शनल या साइकोलॉजिकल के अंदर कोई नफरत वगैरह हो सकती है, खौफ होता है, टिमिडिटी का मतलब बंदा कन्फ्यूज होना शुरू होता है, शाइनेस होती है, पैशन होता है, एनजाइटी है, न्यूरोटिक टेम्परामेंट है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेरी डिफिकल्टी होगी। एक और इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है वो है वजाइनिस्मस। वजाइनिस्मस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म होता है तो जो वजाइना के जो मसल्स होते हैं उनकी स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, स्पेसिफिकली स्फिंक्टर वजाइनी, उसके साथ साथ जो पेल्विक डायफ्राम होता है, लिवेटर एंड आई, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ थाई के एडक्टर मसल्स होते हैं, इरेक्टिव स्पाइनी, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, ठीक हो गया। तो वजाइनिस्मस का क्या मतलब होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त पे स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, वजाइना के मसल की, पेल्विक डायफ्राम के मसल की, जो मीडियल साइड ऑफ थाई के मसल्स की, और रेक्टस स्पाइनी के मसल्स की। अब वो कह रहा है कि ये तीन तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या साइकोजेनिक। प्राइमरी का मतलब मसला आपका प्राइमरी वजाइना का है, सेकेंडरी का मतलब किसी पेनफुल इन्फ्लेमेटरी लेगन, वजाइना का मसला नहीं था, कहीं और का मसला था। साइकोजेनिक किसी फेयर की वजह से, टिमिडिटी की वजह से, या एनजाइटी की वजह से, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एवर्जन, कि नफरत करना सेक्सुअल इंटरकोर्स को, ठीक हो गया। तो ये थे इम्पोर्टेंस और फ्रिजिडिटी के कॉजेस। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस मतलब किन किन केसेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, या इनके क्वेश्चंस अराइज करते हैं किन किन केसेस में, सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में किस तरह से, कि अगर कोई मेल इंपॉर्टेंट है या फीमेल फ्रिजिडिटी है तो डाइवोर्स वगैरह भी ले सकते हैं। दूसरा है अडल्ट्री। अडल्ट्री का एक और नाम होता है फॉर्निकेशन,
इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एक बंदे के एक शादीशुदा आदमी है वो किसी और दूसरी वुमेन के साथ कर रहा है, ठीक है, या वुमेन शादीशुदा है, जो दूसरा मेल पार्टनर है वो शादीशुदा नहीं है, ठीक है, जो अनलॉफुल होता है, बगैर किसी शादी के इंटरकोर्स करना होता है, वो होता है अडल्ट्री या फोर्निकेशन, या मैरिज को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, नलिटी ऑफ मैरिज, ठीक है, वो तो डाइवोर्स वगैरह में आ जाएगा, या डिस्प्यूटेड पैटर्निटी या लेजिटिमेसी के लिए। पैटर्निटी का क्या मतलब होता है? पैटर्निटी का मतलब होता है इसकी वल्दियत क्या है। लेजिटिमेसी का क्या मतलब होता है? कि विरासत का कोई हिस्सा हिस्सेदार तो नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा, साफ सी बात है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जा सकता, ठीक है, उसको कोई ना कोई करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, तो विरासत का हिस्सेदार तो शायद ना बन सके इतना ज़्यादा। या इसके साथ साथ अगर कोई सेक्सुअल फंक्शन लॉस हो गया, ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई क्लेम वगैरह भी है, फॉर एग्जाम्पल अक्वायर्ड कॉजेज में कोई हो गया, कोई इंजरी वगैरह, चोट वगैरह लगी, हाइड्रोसील है, तो इसकी वजह से कोई क्लेम वगैरह रिसीव करना, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो उर्दू में हर्जाना। क्रिमिनल केसेस, दोबारा अडल्ट्री आ गया है, जिना वगैरह केसेस में, या अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में, ठीक हो गया, जहाँ पे वो इम्पोर्टेंट, जहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं होता बल्कि वो झूठ मूठ कह रहा होता है ऐसा, ठीक हो गया। अब जो डाइवोर्स के केस में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब अगर तलाक वगैरह लेना है या खुला वगैरह लेना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंस को परमानेंट होना चाहिए, और इंपॉर्टेंस ऐसे ही होनी चाहिए जिसको कभी या जो कभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है, और इसको मैरिज के टाइम पर प्रूव होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि शादी हो गई इसके बाद फिर इंपॉर्टेंस हुई है, तब वो डाइवोर्स नहीं हो सकती। तो पहला जो था इस चैप्टर का वो था इंपॉर्टेंस, वो तो हो गया। इसके बाद है फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का दूसरा नाम है इनफर्टिलिटी। फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? फर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस और स्टेट ऑफ बीइंग फर्टाइल, के रिप्रोड्यूस कर दे रहा नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, तो उसको बोलते हैं हम रिप्रोड्यूस या स्टेट ऑफ बीइंग फर्टाइल फर्टिलिटी। या इनफर्टिलिटी का क्या मतलब होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोक्रिएट, ठीक है, प्रोक्रिएट। अब मेल के लिए क्या होता है, फीमेल के लिए क्या होता है? अब मेल ने चूंकि क्या करना है, ओवम को फर्टिलाइज करना, तो मेल के लिए क्या होगा? स्टेरिलिटी को किस तरह से डिफाइन करेगा? स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी को इनएबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, ठीक है। और फीमेल ने क्या करना है? फर्टिलाइजेशन के बाद आगे क्या है, या तो ओवम के प्रोडक्शन है, या फर्टिलाइजेशन के बाद उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। तो फीमेल के लिए वर्ड यूज होगा इनएबिलिटी टू कंसीव, और मेल के लिए होगा इनएबिलिटी टू बिगेट चिल्ड्रन और इनएबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। अब स्टेरिलिटी के टाइप्स क्या होती है? स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी के टाइप्स यहाँ पर चार लिखी हुई है। एक वो स्टेरिलिटी है जो कंप्लीट होती है, कंप्लीट है, ठीक है, और डिजीज़ को ठीक नहीं ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, कंप्लीट है। और दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कि जो कैपेसिटी है वो है इसके पास लेकिन डिमिनिश्ड है, जबकि एब्सोल्यूट के अंदर कंप्लीट इनकैपेसिटी थी, ठीक है, यानी वो कर ही नहीं सकता था, वो कंप्लीटली इनफर्टाइल था। साइकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि सॉरी साइकोलॉजिकल नहीं फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है जो एज का एक्सट्रीम होता है, फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड होता है 2 साल का, वो तो स्टीराइल है, लेकिन जब प्यूबर्टी होगी तब वो क्या कर सकता है? सीमेन की सिक्रेशन करके वो फर्टाइल बन जाएगा, ठीक हो गया, लेकिन जो 2 साल का है वो तो कर ही नहीं सकता। इसके बाद है पैथोलॉजिकल स्टेरिलिटी। पैथोलॉजिकल स्टेरिलिटी का मतलब है किसी डिजीज़ की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से वो इनफर्टाइल हो गया, ठीक हो गया, जैसे पैथोलॉजिकल स्टेरिलिटी के यहाँ पे कॉजेज वगैरह हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे एजोस्पर्मिया लिखा हुआ है, ओलिगोस्पर्मिया लिखा हुआ है। अब जो स्टेरिलिटी के कॉजेज हैं या इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं, वो मेल के अंदर डिफरेंट हो गए, फीमेल के अंदर भी डिफरेंट हो गए। अब सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में एज लिखा हुआ है कि एक्सट्रीम एज का मतलब जो 2 साल का बच्चा है वो क्या फर्टाइल होगा, लेकिन अब ऑर्गेनिक और एक्वायर्ड कॉजेज ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कॉजेज कॉन्जेनिटल होते हैं, एक्वायर्ड कॉजेज जो कि कॉन्जेनिटल नहीं होते। अब जो ऑर्गेनिक कॉजेज है वही वाली बात जो उसमें मेल में भी इस्तेमाल हुए थे, वो कौन कौन से थे? यहाँ पे एपिस्पीडिया, हाइपोस्पीडिया, एसेसरी पीनस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा। हाइपोस्पीडिया, एपिस्पीडिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ टेस्टिस। एक्वायर्ड कॉजेस में क्या क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर एक्वायर्ड कॉजेस थे वो इंपॉर्टेंस के हवाले से थे कि वहाँ पे पूरा का पूरा पीनस डैमेज हो गया था, स्क्रोटम डैमेज हो गया था। यहाँ पे हम टेस्टिस के हवाले से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस नहीं स्पर्म प्रोड्यूस करनी है। एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म इमोटाइल है, ठीक है, और जो ओलिगोस्पर्मिया का क्या मतलब होता है? ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है कि जो स्पर्म काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। जो एक्सरे का एक्सपोजर होता है, और काइटस है, और काइटस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस है। गोनोरियल इन्फेक्शन हो सकता है, गोनोरियल इन्फेक्शन इंपॉर्टेंस भी करवा रहा था। और वेराइकोसील है, वेराइकोसील का मतलब जो पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस होता है टेस्टिस का, उसकी डायलेशन टॉर्शियस, तो ये एक्वायर्ड कॉजेज हो जाती है। फीमेल के अंदर वही एक्सट्रीम एज है, फिजियोलॉजिकल है, ठीक हो गया। ऑर्गेनिक कॉजेज क्या होगा? एब्सेंस ऑफ यूट्रस, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ टेस्टिस है, बाइफिड यूट्रस है, या ओवरी एब्सेंट हो गया, या वजाइना का टोटल ओकुलेशन है, ये ऑर्गेनिक है, कॉन्जेनिटल है। एक्वायर्ड कॉजेज क्या क्या हो सकता है? ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस का, गनोरिया हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो सकती है, इनकी वजह से फीमेल में इनफर्टिलिटी हो जाएगी। अब माना कि इनमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत कम है और रट्टा बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस को। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसको बिल्कुल वही है जो उसके लिए थी। किसके लिए थी? इंपॉर्टेंस के लिए थी। दोबारा बता लेता हूँ, डाइवोर्स, अडल्ट्री, नलिटी ऑफ मैरिज, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, लेजिटिमेसी, क्लेम्स फॉर डैमेजेस, अडल्ट्री, रेप, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो इसकी बिल्कुल वही है जो इंपॉर्टेंस के लिए थी। ठीक हो गया। तो ये पार्ट वन के अंदर हमने इंपॉर्टेंस और हमने क्या पढ़ी है, इनफर्टिलिटी पढ़ी है। अब हम स्टरीलाइजेशन भी पढ़ लेते हैं ताकि पूरा टॉपिक खत्म हो जाए। अब स्टरीलाइजेशन होते क्या? स्टरीलाइजेशन एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम मेल या फीमेल को इनफर्टाइल बना देंगे, ठीक है, लेकिन उसके पोटेंसी को अफेक्ट नहीं करेंगे। अब इसकी वजह से यह होगा कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म कर सकता है लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो स्टरीलाइजेशन तीन तरह की होती है, एक होती है इंटेंशनल, एक होती है थेरापेटिक, एक होती है एक्सीडेंटल। अब इंटेंशनल क्या होती है? इंटेंशनल में हम खुद करवाते हैं, हमारी इंटेंशन होती है क्यों, फैमिली प्लानिंग वगैरह करने के लिए। ठीक हो गया। तो इंटेंशन वाली हम यहाँ से देख लेते हैं। इंटेंशन वाली भी दो तरह की होती है, कंपलसरी और वॉलंटरी, ठीक है, कंपलसरी या वॉलंटरी, ठीक है। अब कंपलसरी किस तरह से होती है? कंपलसरी किसी ना किसी ऑर्डर ऑफ स्टेट की वजह से, किसी कानूनी हैसियत की वजह से परफॉर्म की जाती है किसी मेंटली या डिफेक्टिव, फिजिकली डिफेक्टिव पर्सन के ऊपर, या बाज़ अवकात ऐसा होता है कि जो सेक्सुअल क्रिमिनल है उनको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, या फिर उसको यूजेनिक्स के लिए किया जाता है। तो यूजेनिक होता क्या है? यूजेनिक अभी हमने इसके बाद भी पढ़ना है। यूजेनिक का मतलब यह होता है कि अगर कोई इसी कपल को पता है कि नेक्स्ट जनरेशन ख़राब पैदा होने वाली है, इसको आप सिंपल कहते हैं गंदी जनरेशन पैदा होने वाली है फिजिकली या मेंटली डिफेक्टिव, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये करते हैं। तो ये होता है यूजेनिक। जबकि थेरोपैटिक है, थेरोपैटिक किसी न किसी मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से भी हो सकती है थेरोपैटिक, ठीक है। और तीसरा है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल का मतलब कोई चोट वगैरह लग गई या कोई डिजीज़ है, ट्रॉमा हो गया, इसकी वजह से नुकसान पहुँच गया, डैट इज़ वाई बंदा इनफर्टाइल हो गया। अब जो वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री में ये लाजमी नहीं है लेकिन जो कंपलसरी थी ये लाजमी थी, और पाकिस्तान में वैसे नहीं होती, तो पाकिस्तान में वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री का मतलब यहाँ पे कंसेंट होगी दोनों पार्टनर्स की, हस्बैंड की भी और वाइफ की, दोनों की कंसेंट होगी। ठीक हो गया। अब ये तीन चीज़ों के लिए की जाती है। पहला थेरोपैटिक। थेरोपैटिक का मतलब होता है कि अगर फ्यूचर प्रेगनेंसी की वजह से उसकी वाइफ को कोई वाइफ की जान को नुकसान ना पहुँचाए तो उसको हम मिनिमाइज़ करने के लिए थेरोपैटिक करते हैं। यूजेनिक का मतलब है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिजिकली या मेंटली डिफेक्टिव पैदा हो सकती है क्योंकि पहले डाउन सिंड्रोम वाला आ गया बेबी, तो फिर उसके लिए यूजेनिक करते हैं। जबकि कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब फैमिली प्लानिंग मैजर है। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला प्रोसीजर है ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। जो वेजेक्टमी है, वेजेक्टमी वैसे परमानेंट नहीं होती है, वेजेक्टमी को आप टेम्परेरी वैसा कह सकते हो। दूसरा होता है ट्यूबेक्टमी, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टमी होती है। टेम्परेरी क्या क्या होता है? एक होता है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कि एक रिदमिक पीरियड होता है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि जो फीमेल ओविलेट, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो ओविलेशन के आसपास, एक दिन ओविलेशन से पहले और दो दिन ओविलेशन के बाद, तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है। तो इसमें क्या कर ले? इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर ले। दूसरा होता है कोइटस इंटरप्टस, मतलब जब इजैकुलेशन होने वाली होती है तो पेनिस को फौरन विड्रॉ कर ले। तीसरा होता है ब्रेस्ट फीडिंग, इसकी वजह से भी, ठीक है, क्योंकि आप क्यों ब्रेस्ट फीडिंग से कैसे होता है? ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से प्रोलैक्टिन वगैरह ये रिलीज होते हैं जो आगे गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट कर देते हैं। इसके बाद इंट्रायूटराइन डिवाइस है, ठीक है, वो यूज़ कर सकती है, या कोई ओरल इंजेक्शन या इम्प्लांट वगैरह मेथड यूज़ कर सकती है, या बैरियर वगैरह जैसे मेल के अंदर कॉन्डम होते हैं, फीमेल के अंदर डायफ्राम वगैरह, या स्पर्मिसाइडल एजेंट्स जो स्पर्म को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। अब अगर कोई बता इनफर्टाइल है, ठीक है, या इम्पोर्टेंट है, उसने क्या करना है? उसने अपनी औलाद को, यानी उसको औलाद चाहिए, उसने नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू करवानी है अपनी, तो वो क्या करेगा? वो एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को फॉलो करेगा। ठीक हो गया। ये वो टेक्निक है जिसको आप बोल सकते हो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें आप क्या करोगे, हेल्थी सीमन को वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस में डालते हैं ताकि प्रेगनेंसी आ जाए। ठीक है। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है। एक होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होमोलॉग्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डोनर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होमोलॉग डोनर। अब इसको हम छोड़ देते हैं तीसरी वाली टाइप को। अभी हम बात करते हैं AIH और AIT, मतलब जो देने वाला है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है मतलब जो सीमन होगा, सीमन हम ले गए और सीमन को आर्टिफिशियली डाले गए वजाइना, सर्विक्स और यूट्रस में, किसके ज़रिए? इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। अब होमोलॉग और डोनर, इसमें क्या क्या डिफरेंस है? जो होमोलॉग में जो सीमन होगा या स्पर्म होगा वो आएगा उसी हस्बैंड का, लेकिन डोनर वाले में, AID में, जो स्पर्म या सीमन होता है वो किसी और दूसरे का आएगा। ठीक हो गया। उस हस्बैंड का नहीं होता। जब हस्बैंड इंपॉर्टेंट है लेकिन फर्टाइल है, इंपॉर्टेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर सकता लेकिन जो स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो वो AIH परफॉर्म करेगा। AIHD सब में हो सकती है। ठीक है। अगर हस्बैंड स्टीराइल है, मतलब स्पर्म काउंट है नहीं, तो AID यूज़ करते हैं, या अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी है तभी AID किसी और के सीमन यूज़ करेंगे, या हस्बैंड किसी हेरिडेटरी डिजीज़ का शिकार है तब भी AID इस्तेमाल करेगी, वरना AIH परफॉर्म किया तो वो फैल जाएगी। तो ये था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला, और ये पार्ट वन हो गया फोरेंसिक सेक्सुअलॉजी का। तो उम्मीद है कि वीडियो में भी शायद अच्छी ना लगी हो, लेकिन अगर लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो को देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।